अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय की सबसे महत्वपूर्ण जो उनकी रचना है उसका नाम पोएम है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास, वेरी गुड। प्रिय प्रवास और प्रिय, हाँ और भी बहुत सारी है, पर चूंकि हमारे कोर्स में प्रिय प्रवास है तो आज हम प्रिय प्रवास की बात ही करेंगे। और प्रिय प्रवास की भाषा कौन सी है? खड़ी बोली। वेरी गुड। खड़ी बोली कौन सी? हिंदी की खड़ी बोली है। अच्छा एक बात तो है, हिंदी की खड़ी बोली है, इसका मुझे रूप बताओगे कि ये महाकाव्य है कि ये खंड काव्य है कि ये मुक्तक काव्य है, जिसमें पूरी कहानी होती है जीवन की, उसको क्या कहते हैं, उस काव्य को क्या कहते हैं? जैसे रामायण महाभारत, क्या है ये? महाकाव्य है, खंड काव्य है या मुक्तक काव्य है? महाकाव्य। क्या है? महाकाव्य। तो बस ये प्रिय प्रवास में भी कृष्ण के चरित्र पूरी कविता के रूप में, कथा के रूप में दर्शाया गया है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? महाकाव्य। क्या कहते हैं इसको हम? महाकाव्य। साथ ही हमने बात की थी कि जो शैली के बारे में बात की थी, तो खुद अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत ने कहा है कि इसकी अतुकांत शैली है, यानी कि इसमें आपको तुकबंदी नहीं मिलेगी, पर छंदों का वैविध्य है, छंदों का वैविध्य है। हम देखेंगे कहीं हमको मंदाक्रांता छंद मिल रहा है, कहीं हमको सवैया छंद मिलता है, तो कहीं हमको मालिनी छंद मिल रहा है। साथ ही हम ये देख रहे हैं कि इनकी भाषा पे हिंदी की खड़ी बोली है, लेकिन उसमें संस्कृत का बड़ा प्रभाव है। संस्कृत और जो संस्कृत वाले शब्दों को हम क्या कह देते हैं? तत्सम शब्द कह देते हैं। क्या कह देते हैं? तत्सम शब्द। तो तत्सम शब्दों की प्रधानता है, तत्सम शब्दों की प्रधानता है, ठीक है ना, क्योंकि संस्कृत शब्दों का बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया है। और इसके साथ ही यदि मैं अलंकारों की बात करूं तो हम देखेंगे कि इसमें अनुप्रास अलंकार तो है ही, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इसमें अंत्य अनुप्रास अलंकार मैं क्यों नहीं बोल रही? क्योंकि कविता कैसी है? अतुकांत है। जब तुकबंदी होती है तो अंत्य अनुप्रास होता है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है, इसमें यमक अलंकार भी मिलेगा हमको, इसमें रूपक अलंकार भी मिलेगा हमको, इसमें हमको उत्प्रेक्षा अलंकार भी मिलेगा, इसमें हमको उपमा अलंकार भी मिलेगा, और कहीं कहीं हमको इसमें श्लेष अलंकार भी मिल जाएगा। और साथ ही हमको एक अलंकार, मैं आपको नाम ले रही हूँ आज, काव्यलिंग अलंकार। कौन सा अलंकार? काव्यलिंग अलंकार। अब आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैडम काव्यलिंग अलंकार क्या है? जैसे मैंने आपको एक दिन मंदाक्रांता छंद के बारे में बता दिया था, है ना, कि मंदाक्रांता छंद में 17 वर्ण होते हैं और लास्ट में 2 गुरु होते हैं, ऐसे आज मैं आपको काव्यलिंग अलंकार के बारे में भी बता देती हूँ। जब कवि किसी चीज का वर्णन कर रहा है, मान लो यशोदा के दुख का वर्णन कर रहा है, मान लो सखियों के दुख का वर्णन कर रहा है, तो उसका कारण भी बताए। यदि कवि ने यह वर्णन किया है कि पेड़ के सारे पत्ते फूल झड़ गए हैं और पेड़ केवल एक ठूंठ बनकर रह गया है, तो उसका कारण बताए कि क्यों बनकर रह गया है, तो उसको, हाँ तो उसको कहते हैं काव्यलिंग अलंकार। जब कवि अपनी कविता में किसी चीज का वर्णन करते हुए जो चीज बता रहा है, जो कार्य बता रहा है, उस कार्य का कारण भी बताए कि गोपिकाएं दुखी हैं तो क्यों दुखी हैं, उनका कारण भी बताए, तो उसे हम क्या कहते हैं? काव्यलिंग अलंकार। जब कार्य का कारण भी चित्रित किया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? काव्यलिंग अलंकार। तो अभी अपन देखेंगे, जब हम कविता पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कहां कहां पर काव्यलिंग अलंकार है। तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि प्रिय प्रवास अलंकार में, वो प्रिय प्रवास महाकाव्य में क्या बताया गया है। और जो विषय वस्तु है वो तो हम देख ही रहे हैं, कृष्ण चरित्र है। देखिए हमारे कोर्स में प्रिय प्रवास का सारे सर्ग, 17 सर्ग है, सारे सर्ग हमारे कोर्स में नहीं है, हमारे कोर्स में केवल इसका षष्ठ सर्ग मतलब केवल छठा सर्ग ही हमारे कोर्स में है। और इस सर्ग में वर्णन है किसका? इसमें वर्णन है जब कृष्ण मथुरा चले गए हैं ब्रज छोड़कर और लौट कर नहीं आए हैं, तो वहाँ की जो गोप गोपिकाएं हैं, जो यशोदा माता है, जो राधा है, वो सब बहुत ही शोक ग्रस्त हो गए हैं, उद्विग्न हैं, चिंतित हैं, विरह व्यथित हैं। उस विरह व्यथा का यहाँ वर्णन किया गया है। याद करिए कि हम लोगों ने सूरदास में भी ये चीज पढ़ी थी भ्रमर गीत के अंतर्गत। मैंने आपको एक खास बात और बताई थी प्रिय प्रवास की, वो ये बताई थी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय ने कृष्ण को एक महापुरुष के रूप में चित्रित किया और राधा को एक श्लोक सेविका के रूप में चित्रित किया। अब तक हम ये देख रहे थे कि कृष्ण और राधा को भगवान के रूप में चित्रित किया जाता था, पर अयोध्या सिंह उपाध्याय का जो समय था वो देश उद्धार का समय था, वो उपदेशात्मक युग था, एक तरीके से
क्योंकि समाज में सुधार लाना था हमको, लोगों में जागरण लाना था, तो उन्होंने कृष्ण राधा के चरित्र को एक महापुरुष के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया कि जिस तरीके से इन्होंने समाज में सुधार किया, जागरण लेके आए, यही प्रेरणा सारी भारतीय जनता में होनी चाहिए। कल मैंने एक मूवी देखी, पता नहीं आप लोगों ने देखी नहीं देखी, कार्तिकेय 2 देखिए। तो आपने देखा कार्तिकेय 2 में जो उनके डायरेक्टर हैं चंदू मोंटेनेगी, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कृष्ण को एक महामानव के रूप में चित्रित किया है। यदि आपने पूरी मूवी देखी है तो लास्ट में अनुपम खेर एक ही बात कहता है, क्या कहता है अनुपम खेर, कि कृष्ण को मनुष्य और पृथ्वी से अलग होकर देखिए, उनको एक महामानव के रूप में देखिए, देखिए उन जैसा बड़ा संगीतकार इस दुनिया में कोई हुआ नहीं, उन जैसा बड़ा मनोवैज्ञानिक इस दुनिया में हुआ नहीं, उन जैसा बड़ा चिकित्सक इस दुनिया में कोई हुआ नहीं, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, आप देखिए उन जैसा बड़ा साइंटिस्ट कोई दुनिया में हुआ नहीं, उन जैसा खगोलविद इस दुनिया में कोई हुआ नहीं, उन्होंने हर विषय पर हर विधा पर नए नए आविष्कार किए। और वो जो कार्तिकेय 2 मूवी का जो हीरो है वो निखिल, वो क्या करता है, तो जो कृष्ण ने खोज की थी उन खोजों को तो ढूंढता है, आपने देखा खिलाता है स्थापित करता है कि कृष्ण केवल एक कल्पना नहीं है, बल्कि कृष्ण एक बायोलॉजिकल अवतार है, एक बायोलॉजिकल मनुष्य है जिसका इस धरती पर जन्म हुआ है, वो महामानव है। 5000 साल से हम उस बंदे की 5218 साल से हम उस बंदे की बर्थडे मनाते चले आ रहे हैं, वो इस दुनिया में हुआ है, वो इस धरती पे हुआ है। हाँ, हम उसको भगवान इसलिए कह देते हैं क्योंकि उसने काम ऐसे किए जो देवत्व को स्पर्श करते हैं। तो वही की वही भावना अयोध्या सिंह उपाध्याय ने, हम मतलब प्रिय प्रवास की जो ये भावना है, मैं ये नहीं कहूंगी कि अयोध्या में उनकी चंदू जी की भावना दिख रही है, मैं ये कहूंगी कि चंदू जी की जो पिक्चर है उसमें प्रिय प्रवास की ये भावना दिख रही है कि वो कृष्ण को एक महापुरुष के रूप में और राधा को एक लोक सेविका के रूप में प्रस्तुत करते हैं। बट इस तरीके से आपको यदि पूरी किताब का एक सारांश समझ में आए और उसको आप वर्तमान से जोड़ लें तो आपको कविता क्यों नहीं समझ में आएगी, मुझे बताइए, आएगी ना, मजे लीजिए। तो मैं तो जब मूवी देखने गई थी तो मैं कल्पना भी नहीं कर पा रही थी, मतलब तो मुझे मूवी का नहीं मालूम था कि मूवी में क्या है, लेकिन जब मैंने उसको पढ़ा तो मुझे प्रिय प्रवास याद आ गया और मन किया अभी बच्चों को हम यही तो पढ़ा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे, हम अब तक पढ़ चुके कि किस तरीके से जो ब्रज की गोपिकाएं हैं वो कृष्ण को याद करके विरह व्यथित हो रही है। आज मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ, मुझे बताओ किसकी विरह व्यथा, इस पर बताइए, आप कविता पढ़ के समझ जाएंगे क्योंकि हिंदी की खड़ी बोली है और ये खड़ी बोली हम बोलते हैं, तो कठिन नहीं है, सरल और सहज भाषा में बात कही गई है।